आप लोग बता दो, डैनियल के चैनल पर ये पिन करके लगा था कि गो वोट मी, वोट इस्लाम, लगा था कहीं? नहीं लगाया था? आप लोग गवाही देते हो पब्लिक में, क्योंकि आप, हो सकता है मुझसे मिस हो गया होता, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूं, मैं गलत ना बोल दूं, ठीक है? आप लोग जो कह रहे हो नहीं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रैलिटी, दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि डिबेट चल रही है ऑफिशियल चैनल पर, इनको पता था कि कुत्तों की तरह धुलाई हो रही है, तो पब्लिक को पिन करके मॉडर्न डे डिबेट की लाइव स्ट्रीम के ऊपर फेंक कर कहते हैं वोट बीआर एंड कम बैक। लो देखो, वोट बीआर एंड कम बैक, भिखारी, इसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी लूज कर गए ये लोग, और ये चुतूपन, लिचड़पन, टपोरीपन, तुच्छापन, चिंदी चोर, छिछोरे, चप्पल चोर, ये इस तरह की क्वालिटी इस तरह होती है। इसलिए मैंने आपको कहा था, मुझे इस वक्त ही उन लोगों से, इन लोगों से घिन आना शुरू हो गई थी, जब लोग ये अपनी लाइव स्ट्रीम चला रहे होते थे, कहने को कुछ नहीं होता था, तो लोगों की लाइव स्ट्रीम में घुसकर अपने कंटेंट बनाने की कोशिश करना, मुझे तब ही इन लोगों से घिन आ गई थी। मुझे पता चल गया था कि ये लोग फेयर प्ले नहीं कर सकते, इन लोगों के, ये लोग हकीकत के अंदर छल, झूठ, पाखंड का सहारा लेने वाले लोग हैं, धोखेबाज हैं, मक्कार, ठीक है जी। अब आगे, BR is boring and focusing only on one thing. जी, भागने का रास्ता, that was the one thing. Yes, sorry. जी आगे, आ देखो जरा, आए आए मेरी गिरगिट, हाँ मेरी गिरगिट, गिरगिटिज्म ये पहुंचा हुआ इधर, गिरगिट, इसको गुस्सा चढ़ गया, पता है क्यों? गुस्सा इस चीज का चढ़ा कि लोग नीचे कह रहे थे एडम सीकर को बुलाओ, साहिल को बुलाओ, एडम सीकर को बुलाओ, साहिल को बुलाओ, एडम सीकर को बुलाओ, साहिल को बुलाओ, ये बोल रहे थे, ये जेलस हुआ, जेलस, जेलसी में आके पता क्या कहता है, इसको बुला लो, उसको बुला लो वाली हरकतें बंद कर दो भाई लोगों, जेलस हो गया, क्योंकि उनमें से एक भी ये नहीं कह रहा था कि दीनी भाई को बुला बल्कि वो कह रहे थे धीनी को भगाओ, धीनी को भगाओ कोई आगे, ऑल हिंदूज जस्ट सिटिंग and enjoying their blasphemy without any reply. देखो, चेक चेक चेक, BR is sadly getting crushed because of his bad prep, bad preparations. चेक करो, getting crushed, कीड़े के तरह मसल कर रख दिया है, पशु की तरह कुचल कर रख दिया है, गोबर की तरह खुश्क करके रख दिया है BR को, ये मान रही है इसकी ऑडियंस। अब लोग कह रहे हैं ओए उल्लू के पट्टे अश्वमेधा के ऊपर बात कर, अब कर जवाब दे, ये आ गया, आ गया जज साहब, आ गए, इनफ इज इनफ। अच्छा जी क्या हुआ है, तू समुद्र में कूदने लगा है या रेल की पटरी के नीचे आने लगा है? इनफ इन इनफ, ही इज पुशिंग यू ऑन द रेल ट्रैक, गो BR, हाँ मर जा, यही मतलब है, और क्या है, और क्या है, इनफ इज इनफ, ही इज पुशिंग यू, गो BR। यार इसके कमेंट से मुझे लग रहा है कि जैसे किसी ने पालतू कुत्ता रखा हो ना, तो अपनी जगह पर बांट कर कहता है इनफ इज इनफ, गो टॉमी, गो गो, और कुत्ता भागता हुआ जाता है, टांग को पड़ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जा रहे हो। अब देखो पोल खुलने लगी है इसकी, संस्कृत नॉलेज इज एब्सोल्यूट मस्ट टू डिफेंड हिंदुइज्म। चेक किया, ये क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि पिछवाड़े को संस्कृत नहीं आती। यस, गूगल इट सर, गूगल इट, यस यस। लो जी, पहले क्रिश्चियन ने पहला, फिर हिंदुओं ने पहला, फिर आर्य समाजियों ने पहला, एथियस ने कहा
हम किसी से कम नहीं, गो के पिछवाड़े में दम नहीं। लो जी आ गए, आई एम एन एथियस्ट, आई हैव नथिंग टू डू विद हिंदू स्क्रिप्चर्स, फिर भी तीर उड़ता हुआ लूंगा, बट इफ समवन कोट्स इट आई वुड डिमांड अ प्रॉपर रेफरेंस एंड वुड काउंटर हिम विद देयर ओन न्यूमरस स्क्रिप्चर्स। वेरी गुड, न्यूमरस स्क्रिप्चर्स, आ जा, मैं पूछता हूं ये न्यूमरस स्क्रिप्चर्स में से जो कितनों का पता है। अच्छा तूने हाथ जोड़ लिए, फिर खैर, माफ किया, जा भाग जा, दोबारा ना करें। अच्छा जी, लो जी, आई थिंक वी आर भैया, अंगूर खट्टे हैं, आई थिंक घर में बैठे बैठे कि बी आर भैया इंटेंशन इज नॉट टू विन। भैया जी भावनाओं में बह गए हैं, गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। डिबेट में मैंगो लेने गया था, इंटेंशन इज नॉट टू विन, देन व्हाट, व्हाट करने क्या गया था, झुंझुना बजाने करने क्या गया था, तबला बजाने क्या करने गया था। ऐसे ही फ्री में घर बैठे, आई थिंक बी आर भैया इस वक्त चूंकि जूते खा रहे हैं, बी आर भैया की पतलून उतार कर काली पिट्ठी के ऊपर लाल कलर के निशान पड़ रहे हैं, तो आई थिंक के बी आर भैया शायद खुद ही मरना चाह रहे होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यानी ठुकाई देखकर ये कह दो कि मैं खुद खा रहा हूं मार। सही जा रहे हो भाई। लो जी, सोहम कहता है इट्स लेट, ये मैंने पता क्यों हाईलाइट किया, ये तब कमेंट आया था जब पिछवाड़े ने कहा ना कि मैं हदीसें निकाल रहा हूं ये वो, तो उस वक्त लोग डिसअपॉइंट होकर कह रहे थे इट्स लेट, बहुत खत्म हो गया काम। पता है क्यों? जिन लोगों ने डिबेट देखी है उनको पता है कि पिछवाड़े ने प्रिपरेशन पीपीटी की प्रॉपर, वो डिबेट के माइंड से आया ही नहीं हुआ था, उसको लग रहा था मैं अपनी स्ट्रीम के अंदर बैठकर, असल में पता है क्या बात है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हिंदू इस वक्त मेरी बात को दिल से यकीन करेंगे, इस्लामोफोबिया इतना ज्यादा इनको ब्रेन वॉश कर चुका हुआ है, कोई कुत्ता भी इलेक्शन पे खड़ा होगा ना उसको भी वोट देंगे, को कुत्ता भी इस्लाम के खिलाफ भौंकेगा ना उसको भी सुपर चैटे दे देंगे, को कुत्ता भी आकर इनके इस्लाम के ऊपर कोई ऑल बॉल बकने की कोशिश करेगा ना, ये उस कुत्ते को भी सर पर बिठा लेंगे। ये मेंटेलिटी है। अब इस मेंटेलिटी के साथ जब कोई बंदा सामने मैदान में उतरता है ना, पीछे माइंड में ये होता है कि इस्लाम के खिलाफ तो नफरत है, चार छह गालियां निकालूंगा, ब्लास्फेमी करूंगा, हिंदू खुश हो जाएगा। आपको एक अजीब बात बताऊं, इनकी चैट के अंदर ये खुश पता कब होते थे, जब वो एफ वर्ड यूज करता था। ये मेंटालिटी है, यहां से पता चलता मेंटालिटी। जवाब देने पर नहीं खुश होते थे कि भाई अगर उसने, मिसाल के तौर पर उसने मत्स्य पुराण खोली, मत्स्य पुराण जो है उसको ओपन किया, किसी ने उस पर अप्रिशिएट नहीं किया, जब उस वो एफ वर्ड यूज करता, गाली देता, टेरिफाइड और चिचित के बात करता, तो ये लुड़ियां डालते थे, वाह वाह रक्षक, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, अब मजा आया ना, अब आया ना मजा। इससे पता चलता है टिपिकल फिल्थी मेंटालिटी, फिल्थी डर्टी मेंटालिटी। इससे पता चलता है कि ये लोग स्पिरिट्समैन, जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, या एक कोई डिग्निटी होती है, कोई इंटेग्रिटी होती है, कोई ऑनर होता है, कोई किसी के अंदर एक सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई मैनर होते हैं आदमी के अंदर कि यार मैं अगर डिबेट करने जा रहा हूं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, एक फोरम के ऊपर डिबेट हो रही है, मैं अपने मैनर्स के अंदर रहूं, मैं अपने आप को एकेडमिक रखूं, नहीं गाली गलोच पे खुश हो रहे थे पागल। दिस इज गेटिंग बोरिंग, कोई नहीं आगे आपको दिखाते हैं। Stop defending, start attacking. Stop defending, start attacking. Stop defending, start attacking. Stop defending, start attacking. Very good. इतना contribution है तेरा दुनिया में, चल सांस रोक ले, चला जा वापस, वापस चला जा, बस तेरा काम हो गया। खोती के पुत्रो, इस्लाम से नफरत में पागल हो गए हो, पागल ही हो गए हो। लो
इसको अपने बहनोई की पड़ी है, एडम को बुलाओ भाई, इसकी दीदी मंगवा रही है। ये देखो जरा, स्टॉप लॉफिंग लाइक एन इडियट बी आर, यू आर लूजिंग। वेयर इज ही डिफेंडिंग? देखो यार, कोई मेंबर मेंबर याद रखना, मेंबर चेक करो यार, कोई रिबट्टल दो रेफरेंस से। इतने दिनों का यार मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रेफरेंस दिया था, फिर भी उसने यूज नहीं करता यार। भैया मेंबर की नहीं सुन रहा, कुत्तों की औकात नहीं है, इनके मेंबर्स की कोई वर्थ और वैल्यू नहीं है। तो लो, सुन नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा। अच्छा आगे देखो, हाँ ये 100 रुपया देकर, फिर वही नचनिया वाला हिसाब, वो मिसाल पुरानी जो मैंने दी थी वो याद रखे, गिरीश अंचंद अपने सुपर चैट देके, और 5 लोगों ने इसको ये लाइक भी किया हुआ है, ये याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, 5 लोगों ने लाइक किया। क्या भाई, बी आर इज जस्ट स्टक एट वन पॉइंट, देयर इज सो मच अबाउट वुमेन इन इस्लाम। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी यही सोच रहा था सनातनी दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि इतना कुछ है जिसके ऊपर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो, जिसका हम जवाब देते आए हैं, देते रहते हैं, देंगे जब भी आप रखोगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम मैदान में मौजूद हैं यार। एटलीस्ट कैपेबिलिटी तो होती कि आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट तो करता, ऑब्जेक्शन तो उठाता तो सही यार, वो बंदा बोला ही नहीं। अच्छा पूरी डिबेट के अंदर मैंने नोट किया है, ना ओपनिंग स्टेट में किसी, ना उसने हलाला वर्ड यूज किया, ना सेक्स स्लेवरी यूज किया, ना वाइफ बीटिंग। यार मुझे समझ नहीं आ रही थी, पिछवाड़े का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ था यार। ऑनेस्टली मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट अपनी जिंदगी के अंदर, मेरे ख्याल से शायद मुझे सोच लेने दे। हाँ एक बार पहले मैंने वो यीशु की कुत्ती को चैलेंज किया था, वो नहीं आया था। हाँ वो एक हुई थी, मगर ये ज्यादा हो गई। अभी इसका नंबर आ गया पहला, इसका पहला, वो दूसरे नंबर पे है, वो डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, जो यीशु की कुत्ती ने शो अप नहीं किया था, वो अब दूसरे नंबर पर चलेगी, ये पहले हो गई। ठीक है, हाँ बस ये 2 बार हुई है। अच्छा तो मैरी ब्रदर्स वाइफ ब्लाइंड मैन किलिंग प्रेग्नेंट वुमेन डिसअपॉइंटमेंट, तो जी उसने कह दिया। अब देखो इसके काम चेक करो, ये मुझे लगता है कुछ 14-15 साल का ना पैंपर बांध कर और फीडर की चूसनी को दांत से चबाते हुए ये कमेंट कर रहा था। डिबंक वर्ड तो यूज कर ले भी यार, कि मैंने डिबंक कर दिया, सती वाला दे दे, नेक्रोफिलिया वाला मुगल्स। ओ मुझे लाफ्टर अटैक्स हो रहे हैं यार, मुझे लाफ्टर अटैक्स हो रहे हैं, प्लीज यार। यानी दिमाग चेक किए हैं, कहते हैं डिबंक वर्ड ही यूज कर दे, यानी इनको इतने उत्सुक हुए हुए थे, इतने पागल हो चुके हुए थे, कह रहा यार मुंह से बोल ही दे कि मैंने डिबंक कर दिया, बस इतना ही बोल दे। आप बंदा ये आपको आप पता चल, ये चीजें वो हैं जो स्ट्रीम्स में हिडन रह जाती हैं लाइव चैट में। आज आपको मौका मिल रहा है कि आप डिटेल के साथ इनकी मेंटालिटी को और इनकी फ्रस्ट्रेशन को और इनकी डिफीट को समझो। दिस इज द रियालिटी, नॉट द फेक पोल। जिस तरह ये इलेक्शंस में करते हैं, वैसे इसी तरीके से ये इस्लाम की नफरत में और पाखंड के अंदर ये करवाते हैं। इसीलिए ये देखो जरा, इनका मेंबर बोल पड़ा, पोल से क्या होगा भाई, मेंबर बोल पड़ा, मेंबर के पोल पोल करने से क्या बनेगा, मेंबर बोल पड़ा वी आर हैविंग इंग्लिश प्रॉब्लम, क्यों भेजा यार भाई, अटैक करो प्लीज, जरा टाइम उसका रिप्लाई करने में जा रहा है। अब आगे आगे बंदा, डोंट डिसरिस्पेक्ट, इसका मतलब यह है कि पता चल गया था, यही वजह है कि मॉडरेटर मॉडरेटर इन कमेंट्स को हाइड नहीं कर सकता था, क्योंकि एक आध होता तो उसको शक पड़ता या वो बेनिफिट एक्सक्यूज यूज कर सकता था कि ये फेक हैं। जब छट्टा लगा पूरे की पूरी बारिश की तरह, जब कमेंट्स इनके खिलाफ आना शुरू हो गए, तो उनको समझ पड़ गई के जूते पड़ रहे हैं, अब किस किस को टाइम आउट देंगे। और फिर जब सुपर चैट के अंदर लोगों ने जूते मारना शुरू कर दिए डिसअपॉइंट में, उसको कैसे खत्म कर सकते थे, लोग पैसे दे के गालियां निकाल रहे थे। दिस इज व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट ब्रदर्स, सो हिस्ट्री यस। अब देखो डिसअपॉइंट लोग क्या कह रहे हैं, सीरियसली वेयर आर कुरानिक टेक्स्ट, व्हाई इज ही नॉट शोइंग इट, वो क्या कर रहा है। आगे पीआर भाई
टेंशन हो रहा है, कुछ अच्छी बात तो कर, वही बात पे अटके हो, अटैक करो उसको, फालतू में टाइम पास कर रहा है, रेफरेंस देने के बाद भी पीआर भाइयों, सन ऑफ आरिया, 5-5 रुपए, फोटो देखो, हैं योद्धा, झोपड़ी के, एनिमेशन बना के, एंड जी तलवारें पकड़ के खड़े हैं, कभी तलवार देखी भी है तूने, हैं? Why BR is not attacking with multiple hadith? By the way, इंतजार हो रहा था, फिर उसके बाद देखते तुम लोगों के साथ होनी क्या थी। तो एक हिसाब से BR ने हार के खामोशी के साथ अच्छा किया है। हाँ, ये BR इतना, तुम कुछ रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे? इसने गाली निकाली है, ठीक है ना, यानी ब्लास्फेमी किया, इसलिए मैंने हाइड किया इसे। उसका थोड़ा कम्युनिकेशन इशू है, फिर भी वो बहुत मेहनत कर रहा है ठुकाई करवाने में। जी थैंक यू। अब ये देखो, इससे भी पता चल रहा है ये इस्लामोफोब्स हैं। हजरत ज़ैनब के किस्से को उठाने का, BR लाया ही नहीं बीच में, उसको मैसेज करके बताओ। ये है रियलिटी, पब्लिक परसेप्शन जो उनको गया। BR ब्रो यू आर ओनली डिफेंडिंग नॉट अटैकिंग, ब्रो यू आर ओनली डिफेंडिंग नॉट अटैकिंग, स्टार्ट अटैकिंग। ये वही वाला है जिसका जन्म सिर्फ इसलिए हुआ था, स्टार्ट अटैकिंग स्टॉप डिफेंडिंग, स्टार्ट अटैकिंग स्टॉप डिफेंडिंग, ये वही है। अच्छा जी आगे, इस्लाम का एक भी रेफरेंस नहीं दिया, अटैक ऑन इस्लाम, क्या बेकार डिबेट हो रहा है। अच्छा ये मुझे जो है ना, ये शायद मुझे लग रहा है कि ये कोई मिक्स आइडिया, नॉट कंफर्म, अगर ना इसने भी, इसके कमेंट्स भी ऐसे आ रहे थे, हिंदुइज्म पे आंसर क्यों नहीं कर रहा ये BR। अब आई एम नॉट श्योर कि ये बंदा है, क्योंकि इसके कुछ कमेंट्स से फील हुआ है कि जैसे ये एथियस्ट हो सकता है, हिंदू नहीं है, मगर धार्मिक बिल्ला लिखा हुआ है तो क्वाइट पॉसिबल, बट ये है कि चलो है। अब चेक करो जी, ऐ सुनो BR भाई, थोड़ा सुनो सुनो कमेंट सुनो कमेंट BR भाई, थोड़ा हंसते हंसते बात करो। वेरी गुड, हंसते हंसते बात करो, क्यों क्यों भाई, वजह कहता जी, सामने वाले का आत्मविश्वास अपने आप टूट जाता है। और फोटो देखो इसकी, फोटो देखो, बातें सुनो और फोटो देखो, थोड़ा हंसते हंसते बात करें, झोपड़ी के, तेरे से घर में कोई हंस के बात नहीं करता, तू शीशे में देखता है तो तेरा अपना मुंह बन जाता है, तू आत्मविश्वास तोड़ने की बात करता है, कमेंट के योद्धा। फ्री का फोन मम्मी पापा ने ले दिया तो उंगली मार मार के जो दिल में आएगा लिखेगा क्या, है थोड़ा हंस हंस के बात करें। लतीफा यार BR का हिसाब खोते वाला हो गया था डिबेट पे, खोते वाला गधा। पता क्या हुआ, कहानी सुनाऊं आपको, BR का हिसाब खोते वाला हुआ इस कमेंट के बाद, मुझे वो लतीफा याद आया कि हंसते हंसते बात करें। लतीफा क्या, सुना जरा, एक बाप था एक बेटा, मशहूर कहानी है जल्दी सुनाता हूं, एक बाप था एक बेटा और एक छोटा सा गधा था, वो दोनों उस पर बैठकर सफर कर रहे थे। एक गांव से गुजरे तो लोगों ने कहा, यार कितना कमजोर गधा है, दोनों बाप बेटा इतने मोटे ताजे ऊपर बैठ गए हैं, कमजोर गधा है उस पर अत्याचार कर रहे हैं। वो दोनों को शर्म आई, दोनों उतर गए और पैदल चलने लगे कि यार बात तो सही है। अगले गांव में गए तो लोगों ने कहा, कितने बेवकूफ हैं, गधा है भला बाप बैठ जाए ठीक है, या बेटा बैठ जाए, दोनों में से कोई बैठ जाए। बाप बैठ गया, बेटे ने कहा, अब्बू जी पिताजी आप बैठ जाइए, पिताजी बैठ गए, बेटा आगे से लगाम पकड़कर चलता रहा। अगले गांव में गए तो लोगों ने ताना मारा, उन्होंने कहा, देखो यार छोटे से बच्चे को चला रहा है, खुद बाप है, बच्चे पे तरस नहीं खा रहा। बाप ने कहा, यार लोग बातें सुना रहे हैं, ए पुत्र तू आके बैठ जा, मैं चलता हूं। अगले गांव में गए तो लोगों ने कहा, बच्चा कितना जालिम है, बूढ़े बाप को चला रहा है, खुद अकेला बैठा हुआ है।
उन्होंने कहा यार क्या करें, दोनों तंग आ गए। उन्होंने क्या किया, दोनों उतर गए और दोनों ने उतर कर ना खोते को ही कंधे पर उठा लिया। उन्होंने कहा अब मसला हल हो गया, अब लोग राजी हो जाएंगे, और गधे को कंधे पर उठा के चले गए। जब अगले गांव पहुंचे तो लोगों ने कहा कितने मूर्ख हैं, गधा है सवारी के लिए और गधे को उठाकर फिर रहे हैं। उन्होंने गधे को भी नीचे लिटाया और लोगों को भी नीचे लिटा लिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कोई कहता है पागलों की तरह हंस क्यों रहा है, रो रहा है क्या, इतना मत हंस, और कोई कह रहा है हंसते हंसते मैं मंदिर का घंटा हूं क्या, कोई आता है कहता है हंसे, कोई आता है कहता है रो, कोई आता है कहता है दलील दे, कोई आता है कहता है डिफेंस कर, कोई कहता है आयत पेश कर, मैं क्या करूं। ओ यार वांदे हो गए हैं, वांदे वांदे इस्लाम के खिलाफ उठने के वांदे। आगे अच्छा करो जरा, अच्छा ये याद रखना है, इधर है सतीश और यह है थॉमस, आधा तितर आधा बटेर। अब मैं आपको बताता हूं ये आधा तितर और आधा बटेर क्या करेगा, इसको समझना आपने। ये थॉमस, मैं ना आपको प्रॉपर डीप एनालिसिस करके बता रहा हूं कि चल क्या रहा होता है एक बंदे के माइंड में, तो बड़ा गौर से सुनना है। बी आर भाई, यू शुड लर्न हाउ टू डिबेट दीज काइंड ऑफ पीपल। अब देखो, यू शुड लर्न टू डिबेट, उसको पहले जीरो किया कि तेरी टट्टी के बराबर भी औकात नहीं है पिछवाड़े, तुझे डिबेट करना सीखना चाहिए। ये हो गया आधा तितर। अब आने लगा है थॉमस, सेंट थॉमस, आधा बटेर। लर्न फ्रॉम एडम सीकर, ओ थॉमस एडम सीकर, मेरा यच्छू यच्छू, मेरा यच्छू यच्छू, हालेलुया। Please don't debate if you are not capable. He keeps on asking questions and you are just responding disgusting. Disgusting. This is poll versus reality. अब ये इनका पोल मैंने बना के स्टील का पोल पिछवाड़ा के पीछे दे दिया पूरी टीम के, अब भुगते रहो। ला इसकी जबान निकली है, पहले इसको देख लो क्या कहता है। अरे भाई, सबसे पहले तो फ्लुएंट इंग्लिश वाला बंदा चाहिए था कन्वर्सेशन स्मूथ रखने के लिए। और झोपड़ी को तुम्हें मैंने पहले बताया, सनातनियों तुम्हारा धर्म गरीब की चद्दर की तरह है, पांव ढांपोगे तो सर नंगा, सर ढांपोगे पांव नंगा। तुम्हें लगता है अभी भी कि पिछवाड़ा तगड़ा होता हिंदी के अंदर, तुम्हें अभी भी लगता है कि जो कि सैम स्टैलोन को कह रहा था कि मुझे पॉइंट्स दे दो, उसके साथ तो हिंदी में होनी थी ना, क्यों फट गई थी, क्यों ईमेल करके सैम स्टैलोन को कह रहा था मुझे पॉइंट्स दे दो। तो झोपड़ी के कब तक अंधविश्वास में जियोगे, जीने का दिल नहीं करता क्या, जागने का मन नहीं करता क्या, होश में आने का कोई 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 उम्मीद नहीं है तुम्हें। तो अगर इसमें हिंदी में दम होता तो सैम स्टैलोन को क्यों कह रहा था मुझे पहले से लिख कर दे दो पॉइंट्स डिबेट से पहले ही, क्यों? इसका मतलब ये है कि अगर तुम अच्छी कन्वर्सेशन वाला लेकर आओगे ना अपनी तरफ से, तो तब तुम पता क्या कह रहे होगे, तैयारी अच्छी नहीं थी। और जब कन्वर्सेशन में कोई वीक हो जाएगा तो कहेंगे जी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं थी। और झोपड़ी का ना तुम्हारी तैयारी ना तुम्हारी कन्वर्सेशन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं। कन्वर्सेशन अच्छी, लो सेकुलर साहब आ गए, बीआर को लगातार 10 दिन तक, लो जी अचेक करो, अचेक करो, ढिंचक वांगड़ू अचेक करो, अभी सेकुलर साहब का सजेशन देखना ढिंचक वांगड़ू का। बीआर को लगातार 10 दिन तक इंग्लिश में डिबेट करनी चाहिए, किधर, बाथरूम में बैठकर, चाहिए थी डिस्कॉर्ड सर्वर पर, अच्छा डिस्कॉर्ड सर्वर, चलो वो भी बाथरूम ही है तुम लोगों का, अच्छा प्रिपरेशन के लिए, लो जी प्रिपरेशन के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर पर डिबेट करनी चाहिए थी, ये मशवरा दिया इसने।
तुम्हारे डिस्कॉर्ड सर्वर की तो रिकॉर्डिंग आती रहती है मेरे पास मेरे पास आ जानी थी रिकॉर्डिंग उसकी, फिर क्या करना था वांगडू साहब, क्या करना था, रिकॉर्डिंग तो मेरे पास आ जानी थी उसकी प्रैक्टिस की तो वो जूते पड़ने थे। अच्छा ये सोकर उठा है आलू अर्जुन, चेक करो सोकर उठा है, ये बीआर अभी तक डिफेंस में ही है फिर सो गया, चेक करो जरा। बीआर इंग्लिश इज बैरियर, बीआर इंग्लिश इज बैरियर, व्हाई चूजिंग टू डिबेट इन इंग्लिश आई डोंट नो। मौत बताकर नहीं आती योगी, मौत बताकर नहीं आती, जब आती है तो इंसान यही कहता है अच्छा तो भला था, खा पी तो रहा था, आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा, फेफड़े तो ठीक थे, आंखें भी सही थीं, दिमाग भी धक धक कर रहा था और दिल भी सो रहा था, घुटने भी अच्छे भले थे, पांव भी मुड़ रहे थे, उंगलियां बंद हो रही थीं, नाक में हवा जा आ रही थी, कान में हवा घुस रही थी और बाल भी बंद रहे। लो ओके, आत्मा को शरीर से निकाला जाता है, आज्ञा नहीं लेती वो कि जाने लगी हूं, चीर कर तुम्हारी आत्माओं के अंदर से सनातन धर्म को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर चुराहे के अंदर नंगा किया है। दम था तो रोक के दिखाते, ये समझते हैं हम, इनको बताएंगे अंकल जी थोड़ा सा दाएं, ना ना और लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, सीधा, आंखें बंद कर लें, गाल सीधा करें, पटाख, ना ना, गिच्ची से पकड़ेंगे तुम्हारी, गिच्ची से कि दूसरी सांस न ली जा सके डिबेट में, ऑब्वियसली बाहर की बाहर रह जाए और फेफड़ों में जो भरी है वो पीछे की मोरी से निकल जाए। अच्छा जी आगे, वी आर शो ऑल रेफरेंस टू हिम, कौन से ऑल, किधर वाले, कौन से ऑल, प्रेजेंटेशन तो तैयार नहीं की थी जिस टाइम पर पूछा गया, तो उल्लू का पट्टा एन उस टाइम पर इस्लामोफोबिक साइट खोलकर बैठा हुआ था, स्क्रीन से विकी इस्लाम खोली हुई है, इस तरह करनी है डिबेट तुम लोगों ने यार। मोजम तबरानी का रेफरेंस दे रहा है, मोजम तबरानी का ओरिजिनल किताब दिखाने के बजाय विकी इस्लाम पेज, यार उल्लू के पट्टो इसे कहते हो तुम लोग, 40 दिन तुम डैनल के ऊपर इतराज कर रहे हो, तुम्हें नहीं मिले थे क्या वो दिन, तुम्हारे पास तैयारी का टाइम नहीं था, ओरिजिनल किताब नहीं ढूंढ सके मोजम तबरानी, जिंदगी में नाम ही पहली बार सुना होगा, क्योंकि इन्होंने अपने शास्त्रों का नाम ही पहली बार सुना होता है, पिछवाड़ा बोलेगा अभी आपको सुनाऊंगा ऑडियोस, जीरो प्रिपरेशन करके गया है ये, एक क्वेश्चन भी नहीं कर रहा ढंग का बीआर, देख ले आईडी चेक कर लो, बीआर अटैक करो, डिफेंड मत करो, बीआर बेइज्जती मत करा यार तेरी, ऐसे क्या होगा, ब्लास्फेमी करो बीआर भाई, लो एंड गेम, ये है अचीवमेंट इनकी, ये है अचीवमेंट, ब्लास्फेमी करो बीआर भाई, बस ये करना आता है इनको। आगे मैं कमेंट सारे पढ़ाऊंगा, एक मिनट रुकना जरा, सारे कवर करने हैं ये, एक भी इनमें से ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड विद बीआर, उसके बाद ओपन करूंगा। भटके, व्हाई बीआर इज नॉट शोइंग द रेफरेंसेस, अबे बीआर दारू पिया क्या, कब खून खोलेगा रहा तेरा बीआर, देख जरा इसी आईडी से आया करता था ना पिछवाड़े, मुफ्ती साहब के चैनल के ऊपर जब तेरी मैंने ठोकी थी अपना डिबेट, इसी आईडी से आया था ना, सुन टेल हिम टू गेट हदीस भाई लोग, ये तो एक्सपेक्ट, सुनो जरा सेकुलर क्या कहता है, ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था यार, हीटेड डिबेट क्या कर रहा है भाई तू, इसकी तो तैयारी करता ना। बीआर ने आज थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया, ये वो इस्लामोफोब है जो गलियां निकाल रहा था, बीआर नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले यार,
ब्रो यू आर डिफेंडिंग नॉट अटैकिंग, टॉक अबाउट सही बुखारी फलां फलां फलां। 310